सब्सक्राइब कीजिए डायमंड स्टडी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साहिल शेख, आप देख रहे हैं डायमंड स्टडी चैनल। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मेरे चैनल पर एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गई है। ये जो है पहले ये यहाँ पर था, अब यहाँ से हटकर यहाँ पे आ गया, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कॉपीराइट जो स्ट्राइक है वो क्यों आई, कैसे आई, हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो ये आई है मेरे एक वीडियो पे, जिस वीडियो का नाम था हाउ टू गेट फोटोशॉप सी एस फाइव एक्सटेंड फुल फ्री। तो इस लिंक पे जो है मैं क्लिक कर लूँगा। और ये स्ट्राइक आई क्यों, इसके आने की वजह क्या है, ये मुझे सोचना होगा और मुझे जानना होगा, क्योंकि ये वीडियो बनाने वाला मैं था। और जब मैंने इस वीडियो को बनाया है तो उसके अंदर क्या क्या मैंने ऐसा यूज़ किया है, क्या ऐसा यूज़ किया है जिस के ज़रिए सामने वाले ने उस वीडियो पे जो है कंप्लेंट, उस वीडियो पे जो है वो रिपोर्ट किया है, तो पहले मुझे वो जानना होगा। तो जानने से पहले मैं ये देखता हूँ कि डिटेल आई कहाँ से, ये अडोब सिस्टम जो है रिपोर्ट आई है। तो ये क्यों आई है, कैसे आई है, मुझे याद करना होगा। तब मैं याद करता हूँ तो शायद मैंने इसके अंदर आपको बताया था, जब आप फोटोशॉप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर सीरियल की मांगता है, तो सीरियल की मैंने नेट से कॉपी कर कर आप लोगों को पूरी तरह से दिखाया था कि कॉपी करके मैं उस सीरियल की जो बॉक्स था तो उसके अंदर मैं पेस्ट करके उसे एक्टिवेट कर दिया था इंटरनेट ऑफ करके। जब वो ऑफ़ हो गया तो उसका हम यूज़ कर सकते थे, यानी हमारा फोटोशॉप जो है वो एक्टिवेट हो गया था। तो ये हमारा भी एक्टिवेट हो गया था, आप जिन लोगों ने वीडियो देखा उसका यूज़ किया उन लोगों का भी ये एक्टिवेट हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो उन लोगों ने काफ़ी सारे दूसरे वीडियो को देख के भी एक्टिवेट कर लिया होगा। और दूसरी बात, अगर मैं इसमें देखता हूँ कि उन लोगों के अच्छे रिस्पॉन्स आए थे, क्योंकि ये लोगों को बड़ा ही फ़ायदा पहुँचा रहा था। तो दोस्तों इस वीडियो को बताने का मेरा मकसद ये था कि ये एजुकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि आप जो है किसी शॉप या दुकान में या किसी मार्केट में जाते हैं और वहाँ पर बोलते हैं कि हमें फोटोशॉप जो है वो हमारे लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल करके दे दीजिए, तो वो कहते हैं कि मैडम हम 300 रुपये में फोटोशॉप इंस्टॉल करके दे देंगे या फिर हम 500 रुपये में जो है फोटोशॉप इंस्टॉल करके दे देंगे। तो आप कहते हैं ठीक है 300 की जगह 200 ले लीजिए, 500 की जगह 400 ले लीजिए, आप ऐसा भाव करके उनसे जो है इंस्टॉल करा लेते। जब आप इंस्टॉल करा लेते वो आपको पूरी तरह से फोटोशॉप जो एक्टिव करके दे देता है, फिर आपको आप उस फोटोशॉप को यूज़ बिजनेस के लिए करते हैं या फिर फोटोशॉप दुकान में करते हैं या फिर कुछ और जो जो आपका यूज़ है फोटोशॉप से वो आप कर लेते हैं। लेकिन ये दोस्तों ये इनलीगल है, ये गलत काम है, क्योंकि फोटोशॉप को बिना खरीदे यूज़ करना और उससे इनकम कमाना, उससे पैसा कमाना, ये बिल्कुल गलत काम है। चाहे मैं हूँ या आप हो, ये गलत तो गलत काम है दोस्तों। किसी ने बड़ी मेहनत करके वो जो है फोटोशॉप CS5 का सॉफ्टवेयर बनाया है। हाँ, अगर हमको उस वीडियो से सीखना है या फिर हमको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके हमें वो सॉफ्टवेयर से सीखना है या कुछ मालूम हासिल करना है या फिर किसी को सिखाना है, तो उन्होंने हमको ट्रायल वर्जन दिया है, हम ट्रायल वर्जन से सीख सकते हैं। या फिर अगर आप काम धंधा या कमा नहीं रहे, उसे जॉब नहीं कर रहे, तो आपको यूज करना है, वो आपकी मर्जी, वो आप जाने, आपका काम जाने। लेकिन दोस्तों अगर हम जो भी अपने वीडियो पे इस तरह का सीरियल की एक्टिवेट करना या क्रैक करना या फिर हैकिंग करना ये सब सिखाएंगे, तो मेरा चैनल हो या किसी और का चैनल क्यों ना हो, कॉपीराइट स्ट्राइक आएगी ज़रूर। अगर अभी नहीं आई तो बाद में ज़रूर आएगी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मूवी वगैरह पिक्चर्स वगैरह जो डाउनलोड करते हैं टोरेंट से, 133.7.8.li से और ना जाने अलग अलग टोरबॉक्स दूसरी दूसरी वेबसाइट से डाउनलोड करके जो इस पर अपलोड करते हैं, तो वो लोगों को भी स्ट्राइक आती है। तो दोस्तों ये गैरकानूनी काम है, अगर आप ये इसका यूज़ करेंगे तो आपको कोर्ट तक जाना होगा और कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये याद रखिए, कॉपीराइट का यूज़ जो है वो मत करिए। कॉपीराइट का यूज़ से मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किसी दूसरे के वीडियो या कंटेंट चुरा के अपने उसमें मत डालिए। तो इसमें मैंने किसी का कोई भी कुछ भी चीज़ चुराया नहीं था, इसमें खाली आप नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था कि आप खुद भी बैठकर एक्टिवेट कर सकते हैं। किसी शॉप में 300 या 500 रुपये देने से बेहतर है कि खुद एक्टिवेट कर ले, इसलिए मैंने उस वीडियो में आपको बताया था। तो ये बात नहीं बताया था, लेकिन उस वीडियो को बताने का मेरा मकसद यही था। तो दोस्तों अगर आपको ये जो है इसी तरह से अगर फोटोशॉप की दुकान खुलना है, फिर फोटोशॉप का ऑफिशियली तरीके से यूज़ करना है, तो उसको खरीदिए और ख़रीद के आप यूज़ कीजिए। फोटोशॉप मेरे बताने से काफ़ी लोगों को ये इंटरेस्ट पैदा हुआ कि हम उसको किस तरह से एक्टिवेट करें और एक्टिवेट करके किस तरह से चलाएं, तो लोगों ने काफ़ी यूज़ किया, काफ़ी चलाया। तो जिन लोगों ने इस
वीडियो को देखकर काफ़ी उसे फोटोशॉप को चलाया है, तो मैं उसे एक अजीज़ाना दरख्वास्त रिक्वेस्ट करूँगा, हमको किसी का भी नुकसान नहीं करना है और हमको जो है उनको पैसा देना है और पैसा दे के उसे कमाना है। मैं इस फोटोशॉप से एक रुपया भी नहीं कमाया हूँ, इसलिए मैं इसका यूज़ किया था और जो जो यूज़ किया था मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया था। अगर इनकी जगह मैं होता तो मैं भी कॉपीराइट करता, लेकिन उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ, ऐसी रिक्वेस्ट हमसे मत कीजिए ताकि हमारा चैनल जो है वो बैन हो जाए। तो कुछ लोग ऐसे जो हमें मैसेज करते हैं कि ये क्रैक करके बताइए, वाइप करके बताइए, वो ऐसा करके दिखाइए, तो दोस्तों गलत काम हम करते नहीं हैं। आपके बोलने पर आपको समझाने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे बात बताई थी, वो भी यूट्यूब पर, तो यूट्यूब पर दुनिया देखती है दोस्तों, ये वीडियो जब भी फैलता है तो एक ना एक दिन बंद हो जाता है और चैनल भी बंद हो जाता है। तो दोस्तों आप फिलहाल करके आप जान लीजिए कि आप ऐसे किसी मेरे चैनल या किसी दूसरे चैनल को ऐसा कमेंट मत कीजिए कि सर आप ऐसा बताइए वैसा बताइए, तो हमें बहुत दिक्कत होती है, तो हम कई बात रोक कर कई बात छुपा कर आपसे जो है बात किया करते हैं। तो दोस्तों जिन लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू, इसी तरह से सपोर्ट बना के रखिए। और यहाँ पे जाने से पहले मैं एक बात बता दूँ, ये जो स्ट्राइक है वो किस तरह से हटेगी, ये यहाँ पे मुझे यहाँ पे बताया गया है कि जो स्ट्राइक है आपकी जो है वो लगी है 21 मार्च 2019 को, ये स्ट्राइक आई है और ये ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाएगी जून 19 2019 में जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, यानी जो ये रेड मार्क यहाँ पे है वो यहाँ पे आ जाएगा 19 को, और जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेम उसी तरह से हो जाएगा, तो फिर मेरे YouTube चैनल पे कोई भी कॉपीराइट नहीं होगा। और रही दूसरी बात, जाते जाते एक खास बात बता दूँ, अगर इस 3 महीने के अंदर मुझे और 2 कॉपीराइट आई तो मेरा चैनल हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।